इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू नो अबाउट द गांधी। अब चलो आप थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, छोड़ दो। इस पैराग्राफ को लिखने के पहले गांधी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम क्या होता है कि कई बार किसी के बारे में किसी के व्यक्तित्व और उसके करेक्टर को जानने के पहले उसके बारे में कुछ न कुछ कहना शुरू कर लेते हैं। देखिए, या तो गांधी को गाली दी जाती है, गांधी को खुदा माना जाता है, इस देश में समस्या है। या तो गांधी को ईश्वर मान लिया गया या गांधी को सिर्फ गाली दी गई। पर मेरा ये मानना है कि न तो गांधी ईश्वर थे न गांधी गाली खाने योग्य थे, दोनों के बीच में कहीं गांधी खड़े थे। क्योंकि देखिए, मैं गांधी जी का प्रशंसक भी नहीं हूं और गांधी जी का आलोचक भी नहीं हूं। हाँ, गांधी जी ने जो अच्छा किया उसका मैं प्रशंसक हूं, और गांधी जी जो कर सकते थे और नहीं किया और जिसकी वजह से देश आज भी भुगत रहा है उसके लिए मैं उनका आलोचक हूं। मेरी आलोचना है क्योंकि आप लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है वो आधा अधूरा पढ़ा है। मैं बता दूं, आपका इतिहास जो किताबों में जो इतिहास है, और भारत की जनरेशन एकमात्र ऐसी पीढ़ी है पूरी दुनिया में जो गलत इतिहास पढ़कर पैदा हुआ, मतलब कि आगे बढ़ी है। जो सही किताबें हमें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। गांधी जी के बारे में जानना क्यों जरूरी? देखिए, गांधी जी के योगदान को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, गांधी जी एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, उनके पिताजी दीवान थे, इसीलिए उनकी पूरी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। और जब वो इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, तब वो सूट बूट टाई पहना करते थे, और वहां से जब भारत लौट के आए, और वहां से भारत लौटने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका। वहां पर उन्होंने कई सालों तक वकालत की प्रैक्टिस की, और वहां पर जब उन्होंने देखा, आपको शायद पता नहीं होगा कि वहां एक ट्रेन में जब वो बैठे, काफी प्रतिष्ठित वकील थे, और जब वहां ट्रेन से बैठकर विक्टोरिया रेलवे स्टेशन है, वहां से जब वो वहां जब उस जगह पर उस डिब्बे में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे का उनके पास टिकट था, वहां बैठे, तब अंग्रेज जब उस डिब्बे में घुसे और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग यू डर्टी इंडियन, उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसने बताया कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, अर्थात की भारतीयों का कुत्तों का प्रवेश निषेध है। पहले भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी चेयर बनी हुई है सार्वजनिक पार्क पे जहां पर लिखा होता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अर्थात की उस कुर्सी पर सिर्फ ब्रिटिश बैठ सकता था, हम भारतीय नहीं, हमारी औकात ये थी। गांधी जी ने कहा कि मैं वकील हूं और फर्स्ट क्लास का टिकट और केस लड़ने के लिए जा रहा हूं, और उस कड़कड़ाती रात में फिर भी उन अंग्रेजों ने उठा के गांधी जी को उस विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पे धक्का मार के प्लेटफॉर्म पे धकेल दिया, उतार दिया, उनका सामान फेंक दिया, और असली गांधी का जन्म तब हुआ। जब गांधी ने सोचा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा, और जब साउथ अफ्रीका में जीत कर जब वो वापस भारत लौटे तो उन्हें सबसे पहले वो मिले गोपाल कृष्ण गोखले से, और बाद में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या कहा, राजनीतिक गुरु भी कहा। गोखले ने कहा कि इस देश में कुछ करना है तो पहले इस देश की नब्ज को समझना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी को अच्छी तरीके से पता था कि उनके आने के पहले 50 साल पहले इस देश में गदर की क्रांति हो चुकी थी, एक महासंग्राम हो चुका था, आजादी की पहली लड़ाई 1857 की लड़ाई जिसमें हम हार चुके थे, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम मुट्ठी भर अंग्रेजों से हार गए थे। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि थोड़ा फील्ड वर्क कर लिया जाए। गांधी पूरे भारत में घूमे, बहुत जगह घूमे, और गांधी जी का जो डिटर्मिनेशन पावर है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, और पूरे भारत में घूमने के बाद उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से लड़ाई लड़े को हम जीत सकते हैं। उन्होंने देखा कि भारत की जो आत्मा है वो मर चुकी है, हमारा जमीन है वो क्या हो चुका है, मर चुका है, और प्रोटेस्ट करने की हमारी ताकत है वो खत्म हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी को एक थप्पड़ मारना बहुत मुश्किल होता है, आसान होता है किसी का थप्पड़ खा लेना। तो गांधी जी ने दूसरा रास्ता चुना, थप्पड़ मारने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है पर थप्पड़ खाने की हिम्मत हमारे अंदर है। तब उन्होंने सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपनाया कि अंग्रेज हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं कर लें, वो हम पे लाठी चार्ज करते रहे, वो मारते रहे, हम मार खाते रहेंगे उनकी, या तो मारते मारते उनके हाथ थक जाएंगे या गोली मारते मारते उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा अंग्रेज पसीजेंगे, मतलब उन्हें दया आएगी, और वही हुआ। 1947 तक आते आते हम लगभग आजाद हो गए। गांधी का ये योगदान बहुत बढ़िया था, मैं मानू। कई बार वो जेल में गए, कई बार उन्होंने आम्र अनशन किया, कई बार क्या किया, आम्र अनशन किया,
पर वहां तक आते आते गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल ये हुई कि गांधी जी के होते हुए इस देश का विभाजन हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि ठीक अफगानिस्तान से लगाकर बर्मा तक हमारी सीमाएं थी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश में बहुत आराम से रह रहे थे। और गांधी जी, अब चूंकि गांधी जी ने बाद में कहा, मैं अभी किताब पढ़ भी रहा हूं और हिंदुस्तान बढ़ गया, किताब का नाम है, उसमें काफी कुछ तो पढ़ चुका हूं, उसमें स्पष्ट कहा है, गांधी जी ने कहा कि गांधी जी का कोटेशन है कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पे हो सकता है, उसके पहले नहीं। पर गांधी जी ने बाद में कहा कि मैं थक गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया और पूरी जो नेताओं की पूरी पीढ़ी थी जो आजादी का संघर्ष करते करते लगभग बूढ़ी हो चुकी थी और वे शायद अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को रोक सके। पर मेरा मानना है कि गांधी जी की सबसे बड़ी गलती वही थी कि इस भारत में वो मात्र एक शख्सियत था जो इस देश के विभाजन को रोक सकता था। यदि गांधी जी हट पे उतर जाते, गांधी जी छोटी छोटी समस्या के लिए जब आमरण अनशन पे बैठ जाते थे तो ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल जाती थी। जो इंग्लैंड का जो महारानी थी उसका सियासन डगमगा जाता था, वो गांधी जी के साथ पूरे देश की ताकत मिली हुई थी। तो गांधी जी इस विभाजन को रोकने के लिए आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया, वो रोक सकते थे। पहली गलती इसके लिए गांधी जी को मैंने कभी माफ नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि इस देश में धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांग लिया मुसलमानों के लिए, वो उसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया और भारत जो देश था उस भारत को, और भारत के टुकड़े किसे किए गए, उस साइड वाला टुकड़ा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, भारत के बीच में एक टुकड़ा रह गया था बांग्लादेश जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, अर्थात कि दोनों इससे अलग अलग हो गए। तब उस समय जो 1947 में और 1947 से 48 में इतने भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए और पूरी आबादी इधर से उधर ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल काम था। उस समय भारत ने समझौता किया था पाकिस्तान के साथ कि हम आजादी के बाद पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत 65 करोड़ रुपए देगा। कितने करोड़ देगा? 65 करोड़ रुपए देगा। पर भारत की उस समय हालात ये थे कि भारत 1 रुपया नहीं दे सकता था, तो भारत अपने उस जुबान से पलट गया, वादे से पलट गया। उसने कहा हमारे पास पैसा है नहीं, हम देंगे नहीं। और गांधी जी फिर जिद पे अड़ गए। गांधी जी की पहली जिद ये थी कि अभी के अभी भारत पाकिस्तान को 65 करोड़ दे और भारत से जो मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, मैं वापस यहां से पैदल जाऊंगा, उन सभी मुसलमानों को लेकर वापस आऊंगा। हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदू लौट के भारत में लगभग आ चुके थे। ये दो जीत उन्होंने पाल ली और आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन के ऊपर मतलब कि जब तक ये चीजें पूरी नहीं करते, 65 करोड़ रुपया आप नहीं देते हो, तब तक मैं क्या करूंगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी। नेहरू ने एक बार कहा भी, लेट महात्मा बी डाई, कि गांधी को मर जाने दो, इसकी जरूरत नहीं अभी हो। और गांधी जी ने भी कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उसे खत्म कर दो। ये सब चला था सिलसिला और गांधी जी का अनशन चलता रहा और अंततः वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इनको झुकना पड़ा गांधी जी के सामने। और उन विकट हालातों में हमें 65 करोड़ रुपया, उस समय 65 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, वो किसे देनी पड़ी? पाकिस्तान को देनी पड़ी। और जब पूरा प्रोसेस चल रहा था तब पुणे में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उसको बहुत ही बड़ा राष्ट्रभक्त था और उसके मन में ये ख्याल पनपने लगा कि ये गांधी कुछ साल और जी गया तो काफी कुछ ये कर भी लेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नाथूराम गोडसे ने, पहले उसे मारने वाला था उसका बड़ा भाई गोपाल गोडसे, प्रैक्टिस के दौरान गोपाल गोडसे का निशाना जब लगा नहीं तो ये काम सौंपा गया नाथूराम गोडसे ने, और नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां महात्मा गांधी को मारी और कुछ ही सेकंडों में गांधी की मृत्यु हो गई बिरला भवन में दिल्ली में। अब नाथूराम गोडसे वहां से भागा नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया, लंबा केस चला। और उस केस में नाथूराम गोडसे ने जो दलीलें दी, जो कोर्ट में कार्रवाई चली, और लास्ट में जब समापन का भाषण आप यूट्यूब पे सर्च करना कि नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान, 30-40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें शब्द लिखे हुए आएंगे, आवाज आएगी, वो आवाज नाथूराम गोडसे की नहीं है, पर वो क्या बोला उसके आधार पे तो दुनिया का कोई भी जज उन्हें सजा नहीं दे सकता था। परंतु चूंकि जज को ये था कि राष्ट्रपिता की हत्या के बाद भी उसे हम फांसी पे नहीं लटका सके, तो फिर कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, और नाथूराम गोडसे को गोली मार अपने फांसी पे चला दिया गया। नाथूराम गोडसे मरने के पहले उन्होंने अपनी वसीयत में लिख के गए हों कि मुझे तब तक, मेरी अर्थियों को तब तक गंगा नदी या हिमालय पर विसर्जित नहीं किया जाए
मेरी राख को तब तक विसर्जित नहीं किया जाए जब तक कि ये देश वापस अखंड राष्ट्र नहीं बन जाए, अर्थात कि हमारी सीमाएं वापस अफगानिस्तान तक नहीं मिल जाए, तब तक मेरी अस्थि और राख का विसर्जन नहीं किया जाए। आज भी उनकी वो अर्थियां उनके पुराने घर में, पुणे के एक घर में, आज भी वो अर्थियां और अस्थियां राख संभाल के रखी हुई है और वो कलश इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये देश वापस, भारत वापस क्या बन जाए, पूरा अखंड जिससे पहले था ना आज से 200 साल पहले उतना बन जाए, सब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिलके एक देश बन जाए। उसी दिन उनकी राख का विसर्जन होगा और मुझे नहीं लगता है कि अब कभी वो दिन आएगा कलश के अंदर राख बेसिक वैसी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। दैट वॉज द गांधी, दैट वॉज द नाथुराम गोडसे एंड दिस इज द हिस्ट्री। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि किताबों में ऐसी चीजें कभी पढ़ाई भी नहीं गई। गांधी जी अच्छे भी थे, कुछ गलतियां ऐसी थी, कुछ ही गलतियां, मैं गलतियां नहीं मानता हूं, हो सके उनकी मजबूरी रही हो, पर गांधी जैसा आदमी वक्त को जब बदल सकता था तो इतिहास को वो बहुत आराम से बदल सकते थे। और इसके लिए भारत मेरे जैसा कोई भी युवा कम से कम गांधी को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, पर उन्होंने जो किया इस देश की आजादी के लिए उसके लिए भी वो हमेशा याद आते रहेंगे। दैट इज द गांधी, उसके बारे में अब